हे वेलकम गाइज, आई एम राहुल कुशवाहा फ्रॉम आर्ट एडवेंचर। आज के इस ब्लॉग में हम छठ पूजा के बारे में बात करेंगे, जो आज 10 नवंबर 2021 का छठ पूजा है, जो मैं बिहार में आया हूँ छठ पूजा मनाने। तो आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग से कि क्या क्या रेडी करना पड़ता है छठ पूजा के लिए, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं, छठ पूजा के लिए हर टाइप के फल फ्रूट को रखना पड़ता है। और हमारे घर में छह करते हैं छठ पूजा, जिसके लिए ये सारे रेडी किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, ये मेरे मम्मी खड़ी हुई है जो अभी छठ पूजा के लिए बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। छठ पूजा के लिए सब लोग घर से निकल चुके हैं और ये भाई भी अपना छठ पे वो लेके निकल चुका है, अभी फिर ले लिया इन्हों आगे से। और ये सब एक एक करके निकल रहे हैं। और मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ, ये मेरा घर है जो मेरे छपरा में, मैं छपरा से 10 किलोमीटर दूर के एक या दूसरा छोटा भाई ये और लेके निकला। तो हम दिखाते हैं अभी, इसके बाद हमारी मम्मी भी निकलेंगी, चारों पांचों मम्मी। तो अब सबके सब यहाँ से निकल चुके हैं, जो घाट तक जाएंगे यहाँ से, जहाँ पे सूर्य देवता की पूजा की जाती है। देन वहाँ से जब तक सूर्य अस्त नहीं होता है, उसके पहले तक वहीं पे वेट करना पड़ता है सनसेट के पहले, तब तक हम वहाँ पे सनसेट पे फर्स्ट में वो अर्घ के टाइम में अपन हम उस पे वेट करते हैं। और उस टाइम हमें पूजा करके फिर हमें सुबह के टाइम पे एक और सेकंड टाइम छठ पूजा का सनराइज पे पूजा किया जाता है। तो सनसेट के बाद उसके बाद हमें सनसेट के बाद पूजा करने के बाद फिर हमें निकलना पड़ता है। देन उसके मॉर्निंग में जो हमें पूजा किया जाता है, उसके बाद ही ये लोग कोई जल ग्रहण करते हैं या कोई भी फ्रूट या कोई भी खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कल रात को 10 बजे के बाद से अभी तक इन लोगों ने जल ग्रहण भी नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं खाया होगा, कुछ भी नहीं पिया होगा। ये खाना खाते जब कल एक सूर्य सनराइज का पूजा हो जाता है, उसके बाद कुछ भी खाना खाया जाता है। अभी छठ घाट पे पहुंच चुके हैं हम सब, और छठ घाट पे एक एक करके मंगेश बैक साइड एक एक करके सब लोग जहाँ पे एक मूर्ति बनी होती है वहाँ पे जाने के लिए एक एक करके सब लोग घर वाले जाने लग गए। आगे दोनों मम्मी है, मेरी मम्मी ये आ गई, पीछे उधर बुआ है, भाई है सामने, देन चाची और भाभी अभी आ रहे हैं सामने से, उसके बाद ये आगे छुटकी बम लेके बम फोड़ने के लिए बोल रही है, फिर वो चाची और भाभी चली गई। और देन ये कौन आ गया, जीजा आ गए, जीजा के साथ यह है चाचा की लड़की है और दिनकर। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ की सनराइजिंग सनसेट जो होगा जब हम कोई भी पूजा करेंगे, क्योंकि सनसेट उगते सूरज को पूजा किया जाता है। बिहार में एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूरज को भी पूजा किया जाता है, डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। ये सनराइजिंग के पूजा करने के लिए ये हमारा गाँव का व्यू है, देन आप देख सकते हैं। देन ये रहा छठ पूजा का अर्घ घाट, यहाँ जो अर्घ देंगे, और यहाँ पे आज हम लोग ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर पाए। और देन यहाँ पे ये मूर्तियाँ हैं जो सब लोग यहाँ बैठ गए हैं और पूजा करने के लिए तैयार हो रखे हैं। ये पूजन करने के लिए यहीं से मिट्टी निकाल के देन छोटे छोटे मिट्टी के वो बनाते हैं, देन उस पर पूजा करने के लिए फिर सिंदूर लगाते हैं, फिर उसी के साथ अर्घ दिया जाता है जो होता है सूर्य देवता को। राहुल भी आ गए,
छठ पूजा के दूसरे घाट पे आ रखे हैं। यहाँ पे एक से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इसकी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे शोरगुल की कोई कमी नहीं है। दैट्स लाइक यू नो अबाउट हमें तरीके से बनाया गया है। और अभी आप देख सकते हो कि सनसेट का टाइम है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे 4 से 5 विलेज गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। दैट्स लाइक कि आसपास के 4-5 गांव के लोग आते हैं। तो मैं आपको यहाँ से अंदर तक के सनराइजिंग के साथ एंट्रेंस गेट और एंट्रेंस गेट के साथ मैं आपको आगे की होते हैं और पूरी तरीके से इस तालाब को रेनोवेट किया जाता है, साफ सफाई की जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई कितनी जनसंख्या सब लोग छठ पूजे के लिए ही आते हैं और अभी सनसेट का टाइम है। यानी सनसेट के लिए सारे के सारे लोग रेडी हैं कि सनसेट के बाद पूजा करेंगे, फिर घर जाके एक छोटा सा और पूजा किया जाता है। जन आप देख सकते हैं नीचे की यहाँ पर व्यवस्था की गई है जो यहाँ के चकटी बाजार संघ के छठ पूजा समिति और इसमें थर्मोकोल को बनाया हुआ मगर में सब कुछ है यहाँ। पूजा ख़त्म करने के बाद सब लोग अब घर जाने के लिए रात की पूजा करने के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ से सब लोग एक एक कर यहाँ की जो स्टैचू है मूर्ति है उनकी पूजा करेंगे, फिर उसके बाद आग लेके वहाँ घर जाएंगे। घर जाके फिर वहाँ शुगर कैन से जो ईंख होती है उससे एक मंदिर टाइप पे बनाया जाएगा, उसके बाद वहाँ की पूजा शुरू की जाएगी जो अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा।